नमस्कार दोस्तों, 23 जून 2020 के द हिंदू समाचार पत्र में आपका स्वागत है। उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, द हिंदू का न्यूज़पेपर वीडियो एडिटोरियल डिस्कशन या फिर करंट के टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो पाने के लिए UPSC मैंने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम चलेंगे अब कल के प्रश्नों की तरफ। तो कल का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, योग किस मंत्रालय के अधीन आता है? योग आपका आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आयुष यानी आयुष को हमने देखा था, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। NGT किस मामले की सुनवाई करता है? पर्यावरण मामले की सुनवाई करता है। NGT फुल फॉर्म नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। इसी NGT एक्ट 2010 के तहत बना था, हमने कल इसको डिस्कस किया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड गैस लीक मामले में कौन सा वन क्षेत्र संबंधित है? डिब्रू सैखोवा, ये असम का एक राष्ट्रीय उद्यान है, ये से जो है जो बागजन क्षेत्र है वहाँ से 2 किलोमीटर बगल ही है स्थित, इसलिए ये डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है। गोल्डन लंगूर IUCN की किस श्रेणी में आता है? ये आपका संकटग्रस्त यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये हमने देखा कल के न्यूज़पेपर संबंधित प्रश्नों को। आज हम चलेंगे अपने न्यूज़पेपर के आज के सबसे पहला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, एमिड मिलिट्री टास्क रिपोर्ट्स ऑफ चाइनीज बिल्डअप एट पैंगोंग। तो अभी जहाँ मिलिट्री स्तर की वार्तालाप चल रही है, इसी बीच रिपोर्ट्स आई हैं कि अभी भी चाइना जो है अपना बिल्डअप कर रहा है, यानी कि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, टेम्परेरी टेंट्स जैसे ऐसे चीज़ें लगा रहा है, ये चीज़ें बताई जा रही है। मनमोहन कॉशंस पीएम ऑन रिमार्क्स। तो जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री जी को कहा है, हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को कहा है कि भाई आप क्या बोल रहे हैं उसके प्रति सजग रहें, क्योंकि आप जो बोलते हैं उससे भारत की डिप्लोमेटिक, आप एक पद पर बैठे हैं और आप कोई चीज़ बोलते हैं तो उससे काफ़ी प्रभाव पड़ता है। इंडिया टू अटेंड ट्राइलेटरल मीट विद चाइना। तो जो रसिया इंडिया चाइना RIC मीटिंग होने वाली है उसको इंडिया अटेंड करेगा, ये चीज़ में बताई जा रही है। अगली ने जो CBSE टू सीक सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव ऑन एग्जाम्स। CBSE ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ गार्जियंस ने अपील फाइल की है, जो CBSE ने एग्ज़ाम कराने का प्रावधान किया है उसके ख़िलाफ़, कि भाई कोरोना केसेस बढ़ते जा रहे हैं और आप बच्चों को एग्ज़ाम कराने जा रहे हैं। तो CBSE ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट का अपना पक्ष रख दे रहे हैं और बाकी सुप्रीम कोर्ट जैसे कहेगा वैसे ही हम करेंगे, ये बात बताई गई इसमें। बिग स्क्रीन सेट टू रीओपन इन श्रीनगर। तो श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर क्षेत्र में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो है 30 वर्षों बाद, लगभग 3 डिकेड्स बाद, 3 दशकों बाद जो है वहाँ पर सिनेमा हॉल खुलने जा रहा है। वहाँ पर पहले सिनेमा हॉल होते थे लेकिन टेररिस्ट के डर से धमकियाँ आती थी, सिनेमा हॉल ये सारी चीज़ें रोक दी जाती थी। देखिए सिनेमा का टेररिस्ट क्या लेने देना है, क्योंकि जो यूथ है, अगर यूथ को एंटरटेनमेंट या फिर उसको जो बेसिक एमिनिटीज़ है, जो बेसिक सुविधाएं हैं वो नहीं मिलेंगी, तो उसको टेररिज्म की तरफ डाइवर्ट करना आसान होता है। तो वहाँ पर इसीलिए टेररिस्ट जो होते हैं, सिनेमा हॉल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, इन सब चीज़ों को थ्रेटन करते हैं कि इनको बंद करो, उनको बंद करवाते हैं, ताकि यूथ को बेसिक एमिनिटीज़ ना मिले और यूथ फिर इससे जब फ्रस्ट्रेट होगा तो उसको टेररिज्म की तरफ मोड़ना आसान होगा। पार्लियामेंट प्रोजेक्ट रिटर्न फॉर फाइनल डिटेलिंग। तो जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है जो है, मतलब प्रपोज किया गया है कि पार्लियामेंट को फिर से डिज़ाइन किया जाए, लोकसभा राज्यसभा क्या चीज़ें होंगी, तो ये इसका प्रोजेक्ट HCP डिजाइन कंपनीज को मिला है। तो अभी उसने एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री का अप्रूवल पा लिया है और जो है फॉरेस्ट मिनिस्ट्री का, एनवायरनमेंट का भी पा लिया है और जो सेंट्रल विस्टा कमेटी का भी अप्रूवल पा लिया है। लेकिन जब अभी ये प्रपोजल दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन DUAC के पास गया तो उसने इसको वापस लौटा दिया, बोला कि भाई अभी हमें और जानकारी दो, सूचना है दो, कैसे आपको पूरा प्रपोजल है, पूरा प्रॉपर डिटेल करो हमें प्लान, तब हम आपको प्रपोजल देंगे, मतलब परमिशन देंगे आगे के लिए, ये बात इसमें बताई गई है। अगली न्यूज है, पूरी जगन्नाथ रथ यात्रा गेट्स कंडीशनड नोड। तो सुप्रीम कोर्ट में जब पूरी जगन्नाथ यात्रा के लिए जो है याचिका डाली गई, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते ही कहा था कि पूरी जगन्नाथ रथ यात्रा है इसको हम अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत भारी संख्या में जो है श्रद्धालु आते हैं और इससे संक्रमण की संभावना बढ़ सकती है। तो लेकिन अभी जो है बार बार इंसिस्ट करने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केवल उतने लोग ले जाओ जितने आवश्यक हो, यानी कि उस सेरेमनी को कंप्लीट करो, कोई गैदरिंग जैसी चीज़ ना करो जिससे संक्रमण की संभावना हो। तो अभी वो कंडीशनल अलाउ कर दिया है इसको। अब हम चलेंगे, ये हमारी लोकल न्यूज़ है, अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, कैप्चर टाइगर डाइज आफ्टर 11 डेज इन रेस्क्यू सेंटर। तो यहाँ एक न्यूज़ बताई जा रही है, ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व की बात बताई जा रही है। ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व कहाँ पे है ये चीज़ हम देखेंगे। ये आपका है महाराष्ट्र में है ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व। तो वहाँ पे एक टाइगर की मृत्यु हुई है, किसकी वजह से? सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया क्या होता है? ये आपका एक इन्फेक्शन डिजीज़ है कि जब इन्फेक्शन होता है तो आपकी इम्यूनिटी पावर जो है इतनी ज़्यादा काम करने लगी, इन्फ्लेमेशन होने लगे अंदर ही,
आपकी बॉडी के अंदर जलन होने लगे, तो उससे जो है दर्द से ही कोई चीज़ जब मृत्यु होती है उसे सेप्टिसीमिया बोलते हैं। तो टाइगर की बताई जा रही संभावना है कि सेप्टिसीमिया से मारा है। तो यहाँ पे मुख्यतः जानने की आवश्यकता है तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व कहाँ है, हमारा महाराष्ट्र में है, और सेप्टिसीमिया डिजीज़ क्या होती है, और टाइगरों की संख्या काफ़ी मतलब हमारे यहाँ एक मतलब चिंता की बात रहती है, आए दिन टाइगरों की हत्या होती रहती है। तो इसलिए हमको तीन मुद्दे इस न्यूज़ आर्टिकल से जानना है। अगली न्यूज़, सेक्स वर्कर्स इन पुणे सीक्स टू रिज्यूम वर्क्स विद कॉशन सिस्टम ऑफ प्रोसीजर स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर्स। तो जो सेक्स वर्कर्स हैं, ऐसे लोग जो अपने सेक्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ में अपनी रोजी रोटी वो इसी से उनकी रोजी रोटी चलती है, तो लॉकडाउन की वजह से उनका व्यवसाय ठप पड़ गया, और इसमें तो और कॉन्टामिनेशन के चांसेज होते हैं, क्योंकि फिजिकल जो है कॉन्टेक्ट होता है, और फिजिकल कॉन्टेक्ट से ही कोरोना वायरस बढ़ता है। तो अभी बताया गया है कि अगर ये अलाउ भी किया जाता है ऐसी जगह जहाँ पर केसेज ज़्यादा नहीं आए हैं या फिर जो है कंटेनमेंट जोन नहीं है, तो वहाँ पर प्रॉपर मास्क, ग्लव्स, ये सारी चीज़ें पहन के तब जो है सेक्स एक्टिविटी को अलाउ किया जा सकता है, ये चीज़ बताई जा रही है। और कई एनजीओ काम भी कर रहे हैं उनको एजुकेट करने के लिए, कैसे मास्क, ग्लव्स और भी चीज़ें, प्रोटेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स पहन के ही सेक्स एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हों। अनहैप्पी विथ IMD केरला रोप्स इन प्राइवेट फोरकास्ट। तो जो है अभी बताया गया केरला ने IMD की फोरकास्ट, जो IMD आपका क्या है, IMD क्या है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये क्या करता है, ये आपका मौसम संबंधी सूचनाएं देता है, फोरकास्ट करता है कब बारिश होगी, बादल कितने रहेंगे, तापमान कितना रहेगा ना, या फिर साइक्लोन कब आने वाला है, ये सारी चीज़ें IMD हमारी, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी है। तो ये अभी तक सारे स्टेट्स को सूचना देती थी मौसम संबंधी, लेकिन केरला ने क्या किया है कि इसकी रिपोर्ट से, IMD की रिपोर्ट से असंतुष्ट होते हुए कहा कि भाई हम प्राइवेट एजेंसीज़ को हायर करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। तो इसने तीन प्राइवेट एजेंसी को 95 लाख रुपये में हायर किया है, स्काईमेट प्राइवेट लिमिटेड, अर्थ नेटवर्क्स और IBM वेदर कंपनी। तो इन तीनों कंपनी से डाटा कलेक्ट करेगा और अपने मौसम संबंधी चीज़ों को फिर उसको हिसाब उसके बेस ही निर्णय लेगा। जैसे कि हमने देखा भी था कि 2018 में केरला में फ्लड्स आए थे, तो ये कहीं ना कहीं IMD की फेलियर है कि प्रॉपर रूप से वो नहीं बता पा रही है स्टेट, जिससे प्रिकॉशन लेने में देरी हो जाती है। 2017 में साइक्लोन ओखी आया था, चक्रवात ओखी आया था, उसके बाद IMD ने कहा था कि भाई हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपडेट करने के लिए 100 AWS लगाएंगे। AWS क्या होता है, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, यानी ये आपका जल भाग में समुद्रों में वेदर स्टेशन लगाया जाता है, जहाँ से डाटा कलेक्ट करके फोरकास्ट किया जाता है। तो लेकिन अभी 100 AWS लगाने की बात तो कही थी, लेकिन अभी इस वर्ष भी जो 15 AWS लगाने की बात की थी, उसी को ये IMD नहीं पूरा कर पाया है, जो इसने बोला कि लॉकडाउन की वजह से हम नहीं लगा पाए। तो भाई जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर को अपडेट नहीं करोगे तो सूचना आपकी जो है इनकरेक्ट होगी, इनएक्यूरेट होगी, उस पर जब सूचना इनएक्यूरेट होगी तो उस पर बेस्ट कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता है। तो इसलिए अब केरला ने प्राइवेट एजेंसीज को हायर करना स्टार्ट किया है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। तेलंगाना हाई कोर्ट क्वेश्चंस रेलवेज रिलेक्टेंस टू एड वन कंपार्टमेंट। तो तेलंगाना हाई कोर्ट ने साउथ सेंट्रल रेलवे को बोला भाई कि जो है बात ये कुछ थी कि जो वर्कर्स फंसे हुए थे उनसे कहा गया, उन्होंने अपील की भाई एक डिब्बा आप और जोड़ दीजिए और जो बचे वर्कर्स हैं उनको भी जो है आप पहुँचा दीजिए उनके मुकाम पर। लेकिन उन्होंने कहा जो रेलवे के DRM थे उन्होंने कहा कि भाई हम एक डिब्बा और नहीं जोड़ सकते हैं। तो उसी मामले में कहा जा रहा है कि भाई इतनी आपकी अमानवीयता है, ऐसा कौन सा रेलवे में लॉ है कि नहीं जोड़ सकते आप। फिल्म प्रोजेक्ट ऑन मालाबार हीरो सेट्स ऑफ हेट कैंपेन। तो 1921 में जो आपका मोपिला विद्रोह हुआ था, इसे मालाबार विद्रोह भी कहते हैं, ये विद्रोह हुआ तो उस पर बेस्ड एक फिल्म बनाई जा रही है। तो फिल्म देखिए 1921 के मालाबार विद्रोह या मोपिला विद्रोह के बारे में जानेंगे। तो मोपिला विद्रोह या आपका मोपिला, किस मोपिला कौन होते हैं, केरल में जो किसान वर्ग होता है उसे मोपिला बोलते थे। तो मोपिला मुख्यतः मुस्लिम किसान होते थे केरला के। तो 1921 में ये मुस्लिम किसान जो उनको मोपिला कहा जाता था, इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ आक्रमण कर दिया, एक सेना बना के टुकड़ी बना के अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध लड़ना शुरू कर दिया। शुरुआत तो अंग्रेज़ों के खिलाफ दमन से हुई थी, अंग्रेज़ों के दमन से असंतुष्ट होकर इसका विद्रोह का शुरुआत हुई थी, लेकिन अंत में इसने कम्युनल रंग ले लिया था, इसने ये मतलब हिंदू मुस्लिम इसमें एंगल भी इसमें इंट्रोड्यूस हो गया था। तो अभी इस पर बेस्ड एक पिक्चर बन रही, मूवी बन रही है। तो देखिए 1921 के जो मोपिला के रिवोल्ट के हीरो थे वो थे आपके वरियम कुन्नाथ आपके इसके 1921 रिवोल्ट के मेन लीडर थे। तो इन्हीं की बेस्ड एक फिल्म बन रही है जिसमें एक्टर हैं आपके पृथ्वीराज, और इसको डायरेक्ट किया है किसने, डायरेक्ट किया है इसको जो है एक मतलब वहीं के एक साउथ के डायरेक्टर हैं आसिक अबू और मुथुन परारी।
तो इन लोगों ने डायरेक्ट किया है। तो अभी क्या है, कुछ जो है राइट विंग जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने इसको बोला है कि भाई इस जो है जो 1921 के रिवोल्ट के लीडर हैं इनको आप मुस्लिम हीरो की तरह दिखा रहे हैं, मतलब कुछ अपोज इस करना स्टार्ट किया है इसमें कम्युनल एक्टिविटी से। तो हमको मेनली यहाँ जाना है 1921 का रिवोल्ट क्यों हुआ था, कब हुआ था और इसके मेन लीडर कौन थे। वरियम कुन्नाथ इसके मेन लीडर थे, तो ये हमने देखा। अब हम चलेंगे अपने अगली न्यूज़ की तरफ। प्रणब टू ओपन ऑनलाइन समिट फॉर IAS एस्पिरेंट्स। तो अन अकेडमी जो अब हमारा एजुकेशन पोर्टल है वो उसने द हिंदू के साथ कोलेब्रेशन करके एक जो है IAS एस्पिरेंट्स के लिए मतलब एक प्लेटफॉर्म ला रहा है। तो उसमें प्रणब मुखर्जी को इनाग्रेट करने के लिए बताया गया है। तो ये देखिए लिंक भी दिया गया है academy.com/upsc-summit-2020। इस लिंक पे जाके कोई रजिस्टर कर सकता है और इस पोर्टल मतलब जो 26 जून को जो भी ये समिट होगा उसमें उस फ्री आप फ्रीली पार्टिसिपेट कर सकता है, ये चीज़ में बताई गई है। जयशंकर टू अटेंड चाइना रसिया ट्राइलेटरल। देखिए RIC एक जो है ग्रुप है, रसिया इंडिया चाइना का एक ग्रुप बनाया गया है जो अपना पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ये भी ट्रेड रिलेटेड इश्यूज डिस्कस करेंगे। तो जयशंकर जो हमारे एस जयशंकर हमारे जो विदेश मंत्री हैं ये अटेंड करेंगे ऑनलाइन मीटिंग, RIC की ऑनलाइन मीटिंग। तो अब इसका एक संकेत भी है कि इंडिया जो है चाइना से जो LAC टॉक्स है, LAC क्राइसिस है इंडिया चाइना की, ये डिप्लोमेटिक चैनल से भी इसको सॉल्यूशन इसका ढूंढ रहा है, ये चीज़ बताई जा रही है इसमें। तो RIC क्या है ये हमने जाना और डिप्लोमेटिक चैनल से कैसे इसको करेगी। 1 लाख वैकेंसीज इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज। तो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज बता रहा है लगभग 1 लाख वैकेंसीज की और आवश्यकता है, उपलब्ध है CAPF। तो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज क्या है, ये एक जो है सेंट्रली कंट्रोल पुलिस फोर्सेज है जिनको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती हैं। ये आपकी कितनी इनके अंदर कौन कौन सी सेनाएं आती हैं, ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF, सशस्त्र सीमा बल SSB, CISF या असम राइफल्स, ये सारी फोर्सेज सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज इनको संयुक्त रूप से कहा जाता है। तो इनको इनमें देखा गया है। देखिए अभी एक चीज़ और है, जो ITBP है आपका, ये जो इंडो चाइना बॉर्डर है ये ITBP ही इसकी सुरक्षित करती है। अभी जो इंडो चाइना बॉर्डर पे आपका LAC क्राइसिस आया है, इसके बाद से इशारा और गया है, लोगों की नज़र और गई है उधर कि भाई LAC को कैसे जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है भारत चीन सीमा विवाद, वहाँ पर सैनिकों की तैनाती बढ़ाई जाए। तो वहाँ पर उस सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी ITBP की है, इसका मतलब ITBP में अभी और भर्ती करने की आवश्यकता है। इसलिए जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज है ये अभी काफ़ी केंद्रबिंदु रही चर्चा का, तीस चीज़ में बताई जा रही है कि 1 लाख और वैकेंसीज की आवश्यकता है। MPs पैनल लुकिंग इनटू आरोग्य सेतु। तो MP का एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई पार्लियामेंट की, उसमें आरोग्य सेतु जो एप्लीकेशन है उसके संबंधित जो भी डाउट्स हैं लोगों की भाई कि प्राइवेसी ब्रीच हो रही है या फिर ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उन संबंधित चीज़ों को ये डिस्कस करेंगे। तो शशि थरूर इसको जो है वो करेंगे जिसको हेड कर रहे हैं। तो ये चीज़ देखा हमने। आरोग्य सेतु क्या है, एक एप्लीकेशन है जो COVID-19 को ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए बनाया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। गवर्नमेंट कॉशंस अगेंस्ट सेल्फ मेडिकेशन। तो जो COVID-19 की जो ये समस्या चल रही है इसमें आप देख रहे होंगे आए दिन कई दवाएं हैं, जैसे रेमडेसिविर है, फ्लैपीपायरविर है और जो है डेक्सामेथासोन है और कई ऐसी दवाएं हैं जो कॉमनली भी अवेलेबल होती हैं। तो गवर्नमेंट ने वार्न किया है कि भाई खुद से अपने आप से डॉक्टर ना बन जाएं कि कोई भी दवा समझ में आ रही है आप उसको खा ले रहे हैं, कोई पैरासीटामोल या फिर कोई टैबलेट खा ले रहे हैं। अगर आपको कोई इशू लग रहा है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए, खुद ही डॉक्टर मत हो जाइए, ये गाइडलाइन जारी किया है। सोल्जर किल्ड इन पाकिस्तान फायरिंग अलॉन्ग एलओसी राजौरी। तो राजौरी पुंछ क्षेत्र जो आपका जम्मू क्षेत्र में आता है, यहाँ पर जो है गोलीबारी के दौरान यानी कि जो पाकिस्तान है इसने सीज फायर का वायलेशन किया है, उसके दौरान भारत के एक सैनिक की मृत्यु हो गई। बांग्लादेश रिजेक्ट्स क्रिटिसिज्म ऑफ चाइना डील। तो देखिए अभी कल हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि लगभग चाइना ने एक डील की है बांग्लादेश का, जिसमें जो बांग्लादेश से 97% जो एक्सपोर्ट होता है, बांग्लादेश जो भी निर्यात करता है चाइना के लिए 97% ऐसे निर्यातों को टैक्स फ्री कर दिया गया, यानी कोई टैक्स चाइना नहीं लगाएगा। इससे क्या होगा, बांग्लादेश के सामान चाइना में सस्ते दामों बिकेंगे यानी वहाँ डिमांड बढ़ेगी, तो इससे बांग्लादेश को फ़ायदा होगा। तो ये बताया जा रहा है कि इंडिया के कुछ अखबार और न्यूज़ एजेंसीज ने कहा कि ऐसे छूट देकर बांग्लादेश जो है बांग्लादेश को चाइना अपने तरफ मिलाना चाहता है, ये एक डिप्लोमेटिक तरीका है बांग्लादेश को अपने तरफ मिलाने का। और इस समय में खास महत्वपूर्ण हो जाता है जब इंडिया और चाइना के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, अब बांग्लादेश से हमारे काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं, तो चाइना ऐसा ऑफर देके बांग्लादेश को अपनी तरफ झुकाना चाहता है। तो ये बोल रहे हैं, तो उन्होंने चैरिटी वर्ड प्रयोग किया, दान। तो ये जो है जो बांग्लादेश के
फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस पे आपत्ति जताई कि भाई आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करिए, ये उचित शब्द नहीं, ये जो है मतलब एथिकल मीडिया के, मतलब एथिकल मीडिया के अंतर्गत नहीं आता है। अगर कोई मीडिया है एथिकल है तो ऐसे शब्दों का नहीं प्रयोग करना चाहिए। अगली न्यूज़, बिग स्क्रीन सेट टू रीओपन आफ्टर 3 डिकेड्स इन श्रीनगर। इसको हमने अभी फ्रंट पेज पे डिस्कस किया कि श्रीनगर में कैसे अब जो है एक नया हॉल, सिनेमा हॉल का अप्रूवल दिया गया है। और जो है सिनेमा हॉल क्यों नहीं चल रहे थे, तो टेररिज्म इतना बढ़ गया था और काफ़ी धमकियाँ आती थी, इस वजह से सिनेमा हॉल वहाँ पर नहीं चलते थे। और अभी क्या हुआ है, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको अलाउ किया है कि एक मल्टीप्लेक्स वहाँ पर खोला जाएगा, जिससे क्या होगा, एंटरटेनमेंट और बेसिक एमिनिटीज़ भी लोगों को वहाँ मिल सके। फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1565 अ कामाख्या फेस्टिवल साइंस फेयर। तो कामाख्या मंदिर है एक, कहाँ पे है, असम में आपका कामाख्या मंदिर है, ये कामाख्या देवी के नाम पर है। कामाख्या देवी कौन है, ये आपकी एक, ये जो भगवान हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग जो भगवान शिव हैं उनकी पत्नी मानी जाती हैं, और ये उसी असम में उनके उनके नाम पर एक मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर प्रत्येक वर्ष मेला लगता है इसी समय लगभग, और मेला लगता है और पूजा पाठ भी होता है। लेकिन अभी इस लॉकडाउन के दौरान इस वर्ष ऐसा पहली बार हुआ है कामाख्या फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाएगा, लेकिन मेला नहीं लगेगा, यानी भीड़ भाड़ नहीं की जाएगी, केवल पुजारी लोग ही रहेंगे, जो अंदर केवल गिने चुने पुजारी वही सारे कार्यक्रमों को ऑर्गेनाइज कराएंगे। तो ये बात बताई जा रही है कामाख्या मंदिर के बारे में। कश्मीरी आर्ट टर्न्स टू वर्चुअल फेयर्स। तो कश्मीरी आर्ट जो है वो अभी वर्चुअल फेयर्स में बदल गई है, मतलब जो वहाँ पे नक्काशी होती है, कढ़ाइयाँ होती हैं, और भी जो हुनर हैं। तो अभी देखिए लॉकडाउन लगा है तो इनके जो, जैसे वहाँ पे आप सुनेंगे पश्मीना शॉल्स मिलती हैं, काफ़ी अच्छी होती हैं वो, तो ऐसी सारी चीज़ों की बिक्री अभी कम हो गई है, ना के बराबर हो गई, क्योंकि लॉकडाउन लग गया है और अभी ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। तो अभी क्या किया है लोगों ने, इसको ऑनलाइन शो किया है, तो अभी वर्चुअल फेयर्स के माध्यम से इसको प्रमोट करने का प्रयास किया जा रहा है। हेल्प क्यों कौन कर रहा है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट्स EPCH काफ़ी हेल्प कर रहा है कश्मीर के हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम्स को प्रमोट करने के लिए। तो ये बात बताई जा रही है। अब हम देखें इंटरनेशनल न्यूज़। इंटरनेशनल न्यूज़ हमारी है ब्राज़ील COVID-19 टोल क्रॉसेज 50,000। तो ब्राज़ील में 50,000 से ज़्यादा लोग COVID-19 से मर चुके हैं। चाइना टू ज्वाइन UN आर्म्स ट्रेड ट्रीटी। चाइना ने UN आर्म्स ट्रेड ट्रीटी जो है ज्वाइन कर ली है, ये बताया है। तो UN आर्म्स ट्रेड ट्रीटी को जो है 2015 में आपका 2014 में इसको साइन करके, मतलब ये उसमें फोर्स में आई थी ये, उस समय जो है अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, बराक ओबामा। लेकिन देखिए 2019 में, पिछले वर्ष ही, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम इस ट्रीटी से बाहर आ जाएंगे। ये ट्रीटी है क्या, हम बात करेंगे। तो यूनाइटेड नेशंस आर्म्स ट्रेड ट्रीटी क्या करती है, ये जो है कोई भी वीपन्स हैं, कोई हथियार है, कोई कॉन्फ्लिक्ट जोन में ना बेचे जाएं, जैसे मतलब कहीं पर गृहयुद्ध टाइप की चीज़ें छिड़ रही हैं, तो वहाँ पे कोई देश उन देशों को, जो भी ऐसे एक्टर्स, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, उनको कोई वीपन सप्लाई नहीं करेगा। तो इसलिए ये समझौता हुआ है यूनाइटेड नेशंस आर्म्स ट्रेड ट्रीटी, कोई भी जो स्टेट के अगेंस्ट कोई एक्टर्स या कोई आतंकवादी संगठन, ऐसे जो संगठन काम कर रहे हैं, तो उनको कोई हथियार नहीं सप्लाई करेगा। तो ये यूनाइटेड नेशंस आर्म्स ट्रेड ट्रीटी थी। तो इससे 2019 में अमेरिका बाहर हो गया, और चाइना अभी 2020 में कहा है, इस वर्ष कहा चाइना ने कि हम इसमें एंटर करेंगे। तो चाइना एक तरह से डिप्लोमेटिक गेम खेल रहा है, अपने आप को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल, ज़्यादा उत्तरदायी देश बना रहा है कि हम जिम्मेदार हैं, जबकि USA नहीं है, या चाइना एक महत्वाकांक्षी देश है, वो USA को रिप्लेस करना चाहता है। तो इसलिए विशेषकर ये जिसने कदम उठाया है। अगली न्यूज़ है आपकी, साउथ कोरिया बैटल सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस। तो साउथ कोरिया में कोरोना वायरस काफ़ी जो है छीड़ हो चुका था, लेकिन अभी दूसरा वेव यानी फिर से वहाँ पर कुछ केसेस देखने को मिल रहे हैं। इंडिया बॉर्न पाक सिया स्कॉलर पासेज अवे। तो एक तालिब जौहरी जी हैं, जो भारत के पटना में इनको जन्म हुआ था, और लेकिन पाकिस्तान में फिर शिफ्ट हो गए थे 1949 में, और एक अच्छे पोएट हैं, हिस्टोरियन और फिलासफर रहे हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छी किताबें भी लिखी है, और पाकिस्तान का थर्ड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर सितारा ए इम्तियाज़ जो बोलता है, इनको ये पुरस्कार भी मिला था, ये इनको सम्मान मिला था, उनका अभी देहांत हो गया, तो ये चीज़ बताई जा रही है। स्पाइंग चार्जेज आर नॉट लिंक्ड टू हुवेई एग्जीक्यूटिव्स अरेस्ट बीजिंग। तो बीजिंग ने कहा है कि जो हुवेई के एग्जीक्यूटिव अरेस्ट हुआ था कनाडा में जो हुवेई के एग्जीक्यूटिव का गिरफ्तार किए गए थे, उसके बदले में जो है यहाँ पे जो, देखिए दो कनाडियन को अभी चाइना ने स्पाइंग चार्जेस पे लगाया कि भाई यहाँ पे जासूसी कर रहे, तो उसके आधार पर उनको जेल में डाल दिया है। तो कहा कि उसका प्रत्युत्तर नहीं, इससे उसका कोई संबंध नहीं है, जबकि बात वही है, लेकिन ये स्वीकार नहीं करेगा चाइना।
जापान टू रीनेम आइलैंड्स डिस्प्यूटेड विथ चाइना। तो देखिए, चाइना और जापान के बीच में एक डिस्प्यूटेड आइलैंड टेरिटरी है, द्वीप समूह है, सेनकाकू द्वीप समूह। ये द्वीप समूह जापान कंट्रोल में है, चाइना कहता है ये हमारा भी है। क्योंकि बात क्या हुई थी, चाइना पहले जापान की कॉलोनी था, लेकिन जब चाइना जापान से आज़ाद हुआ तो जापान ने इस द्वीप समूह को चाइना से आज़ाद नहीं किया। तो सेनकाकू द्वीप समूह अभी जापान के कंट्रोल में है, लेकिन चाइना बोलता है ये हमारा है। तो चाइना इसको डायोशस बोलता है, और लेकिन जापान इसको सेनकाकू नाम से बुलाता है। तो अभी क्या हुआ है, सेनकाकू द्वीप समूह में एक द्वीप है तोनोशिरो। तो तोनोशिरो का नाम बदल के इसका नाम कर दिया गया है तोनोशिरो सेनकाकू। तो ये कहा गया है क्यों, तो लोकल मीडिया बोल रही है क्योंकि तोनोशिरो नाम से एक जगह और थी जापान में, तो इसलिए दोनों नाम में कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए इसका नाम बदल के तोनोशिरो सेनकाकू बना दिया गया है। इसका कड़ा विरोध किया है बीजिंग ने, और ताइवान ने भी इसका काफ़ी विरोध किया है। अगली न्यूज है, नॉर्थ कोरिया रेडी टू सेंड मिलियंस ऑफ रिटेलेटरी लीफलेट्स टू साउथ। तो नॉर्थ कोरिया ने निर्णय लिया है कि हम जो है लीफलेट्स यानी ऐसे पत्रक भेजेंगे हॉट एयर बलून्स में साउथ कोरिया में, जैसे साउथ कोरिया से जो नॉर्थ कोरिया के डिफेक्टर्स है वो वापस भेजते हैं विद्रोही नोट्स लिख के भेजते हैं, सरकार के खिलाफ कुछ लेख लिख के भेजते हैं हॉट एयर बलून से, वैसे हम भी साउथ कोरिया के खिलाफ करेंगे। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में काफ़ी विवाद चलता है। नॉर्थ कोरिया आपका कम्युनिस्ट कंट्री है, जबकि साउथ कोरिया आपका मॉडर्न या फिर लिबरल या कैपिटलिस्ट कंट्री कह सकते हैं आप है। तो इन दोनों के मध्य में विवाद चलता रहता है। और नॉर्थ कोरिया पे में जो है तानाशाही शासन है, जबकि साउथ कोरिया में आपका लिबर्टी या फिर डेमोक्रेटिक्स गवर्नमेंट है। तो ये चीज़ें हैं। तो अभी नॉर्थ कोरिया में क्या हुआ है, वो उन्होंने कहा है कि जैसे आप हमारे डिफेक्टर्स हैं, आप उनको शरण दे रहे हो, शरणार्थी बना रहे हो उनको, और वो वहाँ से लेख लिख के हॉट एयर बलून के थ्रू भेजते हैं, हमारे लोगों को भड़काते हैं, अब हम भी ये रास्ता अपनाएंगे। अब इकोनॉमिक सिस्टम देखेंगे, एक्सपोर्ट्स इंप्रूविंग डाउन 10-12% इन जून। तो अभी जो है पीयूष गोयल जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर ने बताया है कि जो जो एक्सपोर्ट्स हमारे काफ़ी इम्प्रूव कर रहे हैं लॉकडाउन में, क्योंकि चूँकि लॉकडाउन में सारी इंडस्ट्री बंद हो गई थी, तो लगभग एक्सपोर्ट जीरो हो गए थे, काफ़ी हद तक कम हो गए थे। अभी लेकिन देखा जाए तो काफ़ी बढ़ गए हैं, और अभी जो है केवल 8 से 10% ही केवल जो है नॉर्मल से कम रहेगा एक्सपोर्ट, जो पिछले वर्ष इतने समय जून में जितना था, जून 2019 में, उतना है उससे लगभग 9 से 10% ही कम रह गया, यानी काफ़ी इसने कवर किया है। और ये बताई जा रही है ये चीज़ कि जो है FDI को हम वेलकम कर रहे हैं, कि कोई भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसको हम वेलकम कर रहे हैं, लेकिन हम कॉशियस हैं, सतर्क हैं, कोई ऐसी FDI ना आए कि जो मौके का फ़ायदा उठाने के लिए आ रही हो। और बता रहे हैं कि ये हम हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट बढ़ाने में काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। इंडिया कैन रिड्यूस ट्रेड डेफिसिट विद चाइना बाई $8.4 बिलियन। एक स्टडी की गई जिसमें बताया गया है कि इंडिया जो है चाइना से ट्रेड जो डेफिसिट है वो लगभग $8.4 बिलियन का कम कर सकता है। अब हम जानेंगे ट्रेड डेफिसिट क्या है। ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या है कि व्यापार घाटा, यानी कि हम कितने का आयात कर रहे हैं और कितने का निर्यात कर रहे हैं, यानी कितने वस्तुओं का सामान हमने विश्व से खरीदा है और कितने मूल्य का वस्तु हमने विश्व को बेचा है। तो अगर हमने कम बेचा है और खरीदा ज़्यादा है तो हमारा व्यापार घाटा हुआ, तो वही कितना घाटा हुआ है इसी को ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं। तो चाइना से सबसे ज़्यादा हमारा ट्रेड डेफिसिट है। चाइना लगभग हमको $65 बिलियन का सामान बेचता है, और जबकि हम प्रत्युत्तर में केवल $16 बिलियन का ही सामान बेचते हैं चाइना को। तो जो है 16 बिलियन का ही सामान बेचते हैं, तो हमारा लगभग जो है 48.5 बिलियन डॉलर का घाटा होता है चाइना से, जो कि हमारे कुल घाटे का 30% होता है, यानी कुल घाटे का 30% घाटा केवल चाइना से ही होता है। तो अभी इसको कैसे ठीक किया जाए, इसमें बताया जा रहा है कि स्टडी की गई कि भाई बिना कुछ बदलाव किए ही अगर आप अपनी जो इंडस्ट्रीज उपलब्ध हैं उनको ही रेशनलाइज करें और ठीक से उनको जो है रिकोगनाइज करके उनको प्रमोट करें, तो लगभग 25% ट्रेड डेफिसिट जो है ये 25% तक जो है इम्पोर्ट कम किए जा सकते हैं। और बताया जा रहा है कि जैसे कौन कौन से क्षेत्र जो है ऐसे हैं जिनको जो अभी अभी ही चाइना के कम्पीट कर सकते हैं, जो हेल्प करेंगे इस ट्रेड डेफिसिट को रिड्यूस करने के लिए, केमिकल सेक्टर, ऑटोमोटिव कंपोनेंट सेक्टर, बाइसिकल सेक्टर और ड्रग फार्मुलेशन सेक्टर, कॉस्मेटिक सेक्टर, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर और लेदर बेस्ड गुड्स सेक्टर, ये सारी चीज़ बताई गई। बॉर्डर टेंशंस में डिफ्लेक्ट इंडिया फ्रॉम रिफॉर्म्स। तो जो भारत चीन के बीच में बॉर्डर टेंशंस है उसकी वजह से बता रहा है एक फिच रेटिंग एजेंसी है, ये बता रही है कि जो इंडिया चाइना के बीच में बॉर्डर टेंशंस है इसकी वजह से जो इंडिया का रिफॉर्म की तरफ बदलाव की तरफ जो आत्मनिर्भर भारत के लिए एक पैकेज डिक्लेयर किया गया ताकि जो है इंडिया सेल्फ रिलायंट हो सके, उससे इसका जो ध्यान है भटक सकता है, ये बात बताई जा रही है फिच रेटिंग के द्वारा। एक और न्यूज़ है, ITC agree rolls out more collaborative e-Chopal 4.0। तो
आईटीसी एग्री जो है एक सेटअप कंपनीज़ है, ये ई चौपाल 4.0 यानी चौथा वर्जन ई चौपाल का जारी किया है। इसमें क्या होगा, ई चौपाल ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हुए ये किसानों से बात करेंगे, उनको सुविधाएँ देंगी, उनको सलाह देगी कैसे आप किसान खेती करो, कैसे आप ट्रेडिंग करो, कैसे अच्छे से उत्पादन करो, ये सब सुझाव देंगे। तो ई चौपाल आईटीसी ने लॉन्च किया, आईटीसी एग्री ने। अब अगली न्यूज़ हम देखेंगे, डीआरआई बस सिंडिकेट स्मगलिंग एग्जॉटिक मैकाउस फ्रॉम बांग्लादेश। तो मैकाउस क्या है, ये आपके एक तोते होते हैं, एक प्रकार के तोते हैं। तो जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है, इसने जो है एक जो है स्मगलिंग समूह को पकड़ा है जो स्मगलिंग कर रहे थे एग्जॉटिक मैकॉज का। ये एक पैरट के स्पीसीज है। तो क्यों जो है ऐसे एग्जॉटिक मैकॉज, मतलब जो विदेशी, यानी ऐसी प्रजातियां हमारे देश में नहीं पाई जाती हैं जो विदेशों से लाई जाए। तो इससे क्या समस्या क्या होती है, इनसे समस्या ये होती है जूनोटिक डिजीज होने की संभावना है। जूनोटिक डिजीज क्या होती है, जो जानवरों से जन्म लेती हैं। तो अभी ऐसे जो जीव जंतु हैं जो दूसरे देशों में पाए जाते हैं वो हमारे देश में लाए जाएंगे। तो देखिए, जो जैसे कोरोना ही एक जूनोटिक डिजीज़ है, तो ऐसे डिजीज़ की संभावना बढ़ती जाती है। ये साइट्स जो आपका कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेंड्स इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा है, उसके सबसे टॉप लेवल पे इसको प्रोटेक्शन मिली है, जो आपका एग्जॉटिक मैकॉज है। तो ऐसे कई सारी स्पीसीज जिनका ट्रेड होता है, जैसे ब्लैक एंड वाइट रफल्ड लेमूर हो गया, हैलॉक गिब्बन हो गया, पाम सीवेट्स हो गए, इंडियन स्टार टर्टोइज हो गए, तो इनका काफ़ी जो है स्मगलिंग होती है, इनको रोकने की आवश्यकता है। तो ये हमने आज के न्यूज़पेपर को देखा। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन हमारे कुछ इस प्रकार हैं, हाल ही में किस राज्य ने प्राइवेट मौसम एजेंसी से मौसम जानकारी के लिए समझौता किया है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल या तेलंगाना? मोपला विद्रोह किस राज्य में हुआ था? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? ओडिशा, महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल। सेनकाकू द्वीप समूह किन देशों के मध्य विवादित है? उत्तर व दक्षिण कोरिया, चीन व जापान, जापान व रूस, चीन व दक्षिण कोरिया। तो इनका सबका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और ये थी हमारी आज की न्यूज़पेपर डिस्कशन। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।